तो अभी मैं निकला हूँ सह्याद्री मोटो से, और इधर आने से पहले जो भी फुटेज मैंने रिकॉर्ड किया था उसका ऑडियो हो चुका है मिट्टी, क्योंकि कुछ भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ अलग ही साउंड रिकॉर्ड हुआ है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सैटरडे और आज कुछ ऐसा प्लान खास नहीं था, बस हम एक जगह पे जा रहे हैं, बस सोचा कि इसका भी एक व्लॉग बना दूं, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई व्लॉग नहीं आया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे बाइक का मॉडिफिकेशन करने के लिए। वो क्यों करना है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में हम लोग होंगे पहाड़ों में, तो ये मॉडिफिकेशन करना तो बनता है। तो अभी फ़िलहाल फटाफट यहाँ से निकलता हूँ और आपको मिलता हूँ सीधा हाईवे पे। अभी आने वाली जो राइड है ना हमारी, जो कि हम करने वाले हैं लद्दाख, तो इस राइड के लिए ना मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली, जैसे कि ये राइडिंग पैंट्स हो गए जो कि मेरे पास सर्दी के टाइम पे नहीं थे। तो इस बार मैंने सोचा कुछ भी हो जाए राइडिंग पैंट्स तो होना ही चाहिए, तो बस ले लिए। अभी जा रहा हूँ क्रैश गार्ड लगाने के लिए, सैडल्स के मैंने गाना का ऑर्डर कर दिया जो कि ऑलरेडी मैंने फिट किया। इसका कोई अलग से वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा अगर आप सर्च करने जाओगे ना तो काफ़ी सारे वीडियो है, लेकिन अभी और अगर एक बात बताना चाहता हूँ, अगर देखा जाए तो हम के बाद आने के बाद अभी मैं निकला हूँ सह्याद्री मोटो से, और इधर आने से पहले जो भी फुटेज मैंने रिकॉर्ड किया था उसका ऑडियो हो चुका है मिट्टी, क्योंकि कुछ भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ अलग ही साउंड रिकॉर्ड हुआ है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। अभी ये भी नहीं मालूम कि ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अच्छे से रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, पर ठीक है देखते हैं। अभी जब मैंने हैंडल बार लगाया ना, ये अलग ही फील है। तो अभी हम लोग हैं घोड़बंदर की ओर, और एक बात बताना चाहता हूँ, अभी जो मैंने हैंडल बार राइजर लगाया है ना, अलग ही फील आ रहा है, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं डोमिनर चला रहा हूँ। तो जो हैंडल का पोजीशन है ना, एकदम अपराइट आ गया, पहले कैसा थोड़ा सा लीन होके चलाना पड़ता था, लेकिन अभी पता ही नहीं चल रहा है कि मैं डोमिनर चला रहा हूँ करके। और विद इन वन आवर्स के अंदर उन्होंने सारा फिटिंग कर दिया, जैसे कि क्रैश गार्ड बिठा दिया और हैंडल बार राइजर। तो अभी ऑलमोस्ट अपन नायगांव के इधर पहुंच चुके हैं, लेकिन आज मैं वसई से नहीं जाऊंगा, जाऊंगा नायगांव के ब्रिज से, क्योंकि नया ब्रिज है अभी चालू हुआ है। आते वक्त मैं भी उधर से आया था, लेकिन ये पता नहीं आज गोप्रो ने क्या, मतलब क्या कर रहा है, सुबह से हैंग हो रहा है, नहीं तो फिर आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी देखते जाते वक्त अपन नायगांव के ब्रिज के ऊपर से जाएंगे, क्योंकि वो नज़दीक गिरता है। अगर मैं वही वसई से आता ना, मतलब अपने इधर से सातेवली करके, तो मुझे हाईवे पहुँचने में कम आधा से पौना घंटा जाता। अभी सुबह मैं 20-25 मिनट में हाईवे टच कर लिया, तो अभी जाते वक्त भी सेम रूट लूँगा, क्योंकि जल्दी घर पहुँच जाऊँगा फिर मैं वो रूट लेके। तो देखते अभी आगे से है लेफ्ट नायगांव स्टेशन के लिए, और बना है उधर नया ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर, तो अभी जाते वक्त उसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि ये ऑडियो तो अच्छे से रिकॉर्ड हो। तो अभी आ चुके हैं हम नायगांव स्टेशन, और यहाँ से इस्तेमाल करेंगे ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर। हालांकि आते वक्त भी मैं इसी रूट से आया था, लेकिन पता नहीं क्यों अपना गोप्रो रिकॉर्ड ही नहीं किया ये सब। तो चलो, तो ये खूबसूरत सा ब्रिज जिसकी हम कब से कर रहे थे इंतजार, क्योंकि इस ब्रिज की वजह से ना बहुत सारा टाइम अपना अभी बच रहा है। क्योंकि क्या वसई में ना ईस्ट में बहुत सारा ट्रैफिक होता था, उस ट्रैफिक की वजह से ना गाड़ी भी बहुत हीट होती थी, और जाहिर सी बात है कुछ अच्छा हो रहा है।
पता नहीं आज ये गोप्रो का क्या नया नाटक चालू हो गया। मैं हम्पी में जाके आया फेब्रुवरी में, उसके बाद मेरी भी गलती है, मैंने गोप्रो चालू ही नहीं किया। जब चालू किया तब पता चला अपने गोप्रो की बैटरी बस 3% ही है। उसके बाद चार्जिंग में लगाया आधे घंटे के लिए, चार्ज किया और घर पे जो रिकॉर्ड किया ना गोप्रो से वो अच्छे से हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं हाईवे पहुंच के चालू किया ना मोटोलॉग, पता नहीं क्यों आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी देखते हैं घर पे जाके, होना तो चाहिए इस फुटेज में आवाज़ रिकॉर्ड, बस देखते हैं। और ये आगे हम अपने डेली के रोड पे। ओह